बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल PMA काकुल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से आगाह हो सकें। मैं मैम साइमा और आज का हमारा उनवान है मेरा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, यानी पाक लोगों की सरजमीन। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। ये वीडियो आपको बच्चों मज़मून निगारी और पैराग्राफ राइटिंग के लिए बहुत महान साबित होगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान है और अलामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। March 23, 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मीनार पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान है, ये लाहौर में वाकई है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लामाबाद हमारे मुल्क का दारुल हकूमत है। अजीम सब्ज हिलाली परचम हमारी शनाख्त है, हमारा फख्र है। अमीरुद्दीन कुतवाई ने 11 अगस्त 1947 को इसे डिजाइन किया और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने इसे असेंबली में पेश किया। पाकिस्तान का झंडा सब्ज और सफेद रंग का है। सब्ज रंग मुसलमानों जबकि सफेद रंग दूसरे मजाहब के लोगों को जाहिर करता है। इस पर चांद और सितारा भी बना हुआ है। चांद तरक्की और सितारा रोशनी की अलामत है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। जेहलम, रावी, सतलज, चनाब और सिंध 5 दरियाओं की सरजमीन। पंजाब, इसकी सकाफत के अपने ही रंग हैं। यहाँ के त्यौहार और पकवान रंगारंग हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। इसमें बड़े बड़े जरखेज मैदान हैं। इनमें तरह तरह की फसलें उगती हैं। सूबे में कई बड़े बड़े शहर हैं। लाहौर सूबे का सबसे बड़ा शहर है। बादशाही मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी, ये भी लाहौर में वाकई है। सिंध अपनी कदीम तहजीब और सकाफत, अजरक दीदा जेब कशीदाकारी और हुनर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहते हैं। सुबह सिंध मेरे वतन को समंदरी रास्तों से दूसरे मुल्कों से मिलाता है। कराची में मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कायद आजम मोहम्मद अली जना का मजार भी कराची में ही है। खैबर पख्तूनख्वा अपनी तहजीब और सकाफत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में खूबसूरत वादियां और कुदरती झीलें हैं। इसमें कागान, सवात और चित्राल की खूबसूरत वादियां हैं।
मशहूर दरा खैबर भी इसी सूबे में वाकई है। सूबे का सबसे बड़ा शहर पेशावर है। बलूचिस्तान। बलोच अपने रहन सहन, अत्तार और तहजीब व सकाफत में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पहाड़ी जमीन होने की वजह से इसकी आबादी सब सूबों से कम है। कोयटा सूबे का सबसे बड़ा शहर है। ज्यारत इस सूबे की मशहूर और खूबसूरत जगह है। कायदे आजम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन ज्यारत में गुजारे। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान हमें बहुत चेतोजे है और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हर तरह की दौलत से नवाजा है। इसके ऊंचे पहाड़, दरिया, घने जंगल, खूबसूरत वादियाँ, लहलहाती फसलें, सब इसका हुस्न है। पाकिस्तान हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इस सबक का मकसद ये है कि हम अपने वतन से प्यार करें, इस पर फख्र करें। ये हमारी पहचान है, ये हमारी जान है, ये हमारी आन है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने घर में रहिए, सफाई का खास ख्याल रखें, खुश रहें, नमाज पढ़ें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।